चौपाई सब लोग तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। वर्तमान में पूरे भारत में शीत लहर से ज्यादा राम लहर चल रही है। अच्छा, राम लहर में सभी सरोवर हैं, जिसे देखो जय श्री राम। और जो धर्म विरोधी पूरी गई, राम जी पूरे एरिया में बैठ रहे हैं और भव्य और दिव्य मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की विराजमान हो रही है। इस बात पर हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में सब राममय है, पर क्या ये राम राज्य है? राम राज्य की कल्पना क्या है और राम राज्य था कैसा और राम राज्य होना कैसा चाहिए? ना भूख हो, भूख लगे तो तृप्ति हो जाए, भय हो तो अभय हो जाए, ऐसे राज्य का नाम ही है राम राज्य। क्या नाम है? जिनके राज्य में आते तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं वो प्रभु श्री राम है। और राम जी जब रावण को मार कर आए, हनुमान जी ने भरत जी को बताया, सीता सहित प्रभु श्री राम अवधपुरी पधार रहे हैं, सबको मिले, अनेक रूप बना करके परमात्मा सबको गले लगाते हैं। क्यों? अयोध्या वासी 14 साल से इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे? राम जी का। राम जी 14 वर्ष पूर्व में चले गए हैं, आज अयोध्या आए गए, घर घर रंगोली बनाई गई और सभी अवधवासी प्रसन्न हैं। क्यों? हमारे राम आएंगे। राम जी श्री जानकी मैया लक्ष्मण भैया को लेकर आंखों में आंसू है। बताओ कितने अयोध्यावासी आए हैं, जरा गिनती बताओ। क्यों? हम चाहते जितने अयोध्यावासी आए हैं हम उतने ही रूप बना लें ताकि सबको एक ही बार में मिल जाए, वरना सब लोग दौड़ेंगे, हम एक हैं, अयोध्यावासी अनेक हैं तो मिल लेंगे। तो जितने रूप अयोध्यावासियों के तेई सबसे पहले हमसे ही मिले हैं, यही राम जी ने किया। आहा, राम जी ने अनंत रूप धारण किए। अनंत रूप धारण करके पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री राम ने सबको गले लगाया और गले लगाया, माताओं को मिले।